राजू जी, जैसे मैंने कहा कि हमारी संस्कृति आगे बढ़ाने का ये एक बहुत ही खूबसूरत माध्यम है, कौन सी वो आपको लगता है देवी माँ की हमें पर्सनालिटी है जो आजकल के बच्चों को क्वालिटीज इम्बाइब करनी है? लड़कियों में देवी की ये अलग अलग जो रूप हैं उसका एक स्वरूप जगाना बहुत ज़रूरी है। और मेरा पर्सनल आइडिया है कि सिर्फ लड़कियों में नहीं, लड़कों में भी, क्योंकि अगर हमारे लड़के असुर होंगे तो देवी बनके हम क्या करेंगे। तो देवी से खासकर ब्रह्मचारिणी, वो देवी जो जिसका जीवन साधना है और जो ब्रह्मचार्य का मेंटेन कर, ब्रह्मचार्यता मेंटेन करते हुए वो आगे चलती है और साधना करती है और उसके बाद अपने गोल को पाती है, आज हर लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। नवरात्रि की पूजा में भी ड्रामा आ गया है और ये ड्रामा एक बार फिर से किडनैपिंग से नाता रखता है। आशीष और लियो ये कौन है, क्या आप इन दोनों को जानते हैं? क्योंकि इन दोनों ने पारो को किडनैप कर लिया है। अब ट्यूशन से आ रही थी कि गुंडों ने हमला किया गाड़ी पर और पारो को किडनैप कर लिया। अब लक्ष्मी माँ है तो उसे आभास हो गया है कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। लक्ष्मी और ऋषि दोनों परेशान है। पूजा के माहौल में मानो भूचाल सा आ गया। वहीं मलिष्का फोन पर ना किसी से बात भी कर रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है किडनैपिंग की चाल किसी और ने नहीं बल्कि मलिष्का ने चली है। अब मलिष्का की आंखों में पारो वैसे ही खटकती है। अगर पारो नहीं रहेगी तो लक्ष्मी भी नहीं रहेगी। एक कुछ ऐसा ही सोचकर उसने ये घटिया काम तो नहीं किया है। अगर ये काम सच में मलिष्का का किया है तो इस बार ना लक्ष्मी नहीं छोड़ेगी और क्या पता दुर्गा माँ का रूप लेकर मलिष्का का वध कर दे। अब नवरात्रि सीक्वेंस में कुछ ऐसा ट्रैक अगर आएगा तब तो दर्शकों के लिए चांदी ही हो जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।